हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अभी हम अपने नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। और आप देखिए, 4 नंबर का तो स्टूडेंट्स यहाँ से जरूर आपके पास क्वेश्चन रहेगा। और काफी इजी सा ये चैप्टर है। चैप्टर का नाम आप देख रहे होंगे, कंट्रोलिंग। ये पूरा आपके पास फ्लो चार्ट इस चैप्टर का है। आप चाहें तो इस पूरे फ्लो चार्ट को देखकर अपने खुद के नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, जल्दी से इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि प्लानिंग का मतलब क्या है। प्लानिंग का मतलब होता है कि सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स फॉर द फ्यूचर। भविष्य में हमें क्या अचीव करना है, क्या हमें गोल को, किस एम को हमें अचीव करना है, वो हम प्लानिंग में सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं। लेकिन हमने क्या चीज अचीव की, हमने क्या चीज सेट की थी, क्या टारगेट सेट किया था, वो प्लानिंग की बात है। हमने क्या चीज अचीव की वो हम देखेंगे कंट्रोलिंग के कंसेप्ट में। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो आपने अचीव की, एक ऑर्गेनाइजेशन में है आपने कोई टारगेट सेट किया, और आपके कुछ बच्चों अभी करंट आपने क्या अचीव किया, तो जो भी आपने टारगेट सेट किया था और जो भी गोल आपने उस टाइम पे सेट किया था और जो आपने अभी अचीव किया, उन दोनों को आप कंपेयर करते हो ताकि आप डेविएशंस को निकाल सके। अब डेविएशन का मतलब क्या है? डेविएशन का बड़ा सिंपल सा मतलब है द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द टारगेट विच वॉज सेटेड। जो आपने टारगेट सेट किया था वो क्या था और आपको अभी क्या मिला। जैसे कई बच्चे, आपने इस साल के शुरू में सोचा होगा कि भाई मेरे को तो 95% लेके आने हैं 12th क्लास में। अब जब आपका रिजल्ट आएगा तो किसी के आएंगे 85, किसी के आएंगे 98, किसी के आएंगे 87, अलग अलग परसेंटेजेस आएंगे। तो देखिए, आपने टारगेट क्या सेट किया था, मुझे 95 लाना है। आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, लेट्स अज्यूम कि किसी की एक्चुअल परफॉर्मेंस 90% है, तो उसका कितना डेविएशन रहा, जो उसने टारगेट सेट किया था और जो उसने अचीव किया, उन दोनों के बीच का जो गैप है उसको आप डेविएशन बोलेंगे। अगर जो उसने सेट किया था उससे ज्यादा अचीव करेगा पॉजिटिव डेविएशन, उससे कम अचीव करेगा तो नेगेटिव डेविएशन। तो दो टाइप के डेविएशन हमको देखने को मिलती हैं। तो कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट इट ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द टारगेट विच वॉज सेटेड, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द डेविएशंस एंड वी कैन टेक द करेक्टिव एक्शन फॉर दैट डेविएशन इन द फ्यूचर। जो भी डेविएशंस बच्चों हमको मिली, उन डेविएशंस का हम करेक्टिव एक्शन फ्यूचर में ले पाए। तो जल्दी से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट इवेंट्स कंफर्म टू प्लान्स। जो आपने प्लान किया था और जो आपको अचीव हुआ है, उन दोनों वो क्या, वो कितना कंफर्म्ड है, क्या आपने जो प्लान सेट किया था वो आपको अचीव हुआ है। तो इस प्रोसेस को, जहां पे आप आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने टारगेट के साथ कंपेयर करते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग कंट्रोलिंग बोलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं कि कंट्रोलिंग के फीचर्स क्या है। तो गोल ओरिएंटेड फंक्शन, बाकी सब मैनेजमेंट फंक्शन की तरह कंट्रोलिंग भी एक गोल ओरिएंटेड है फंक्शन है, एक वेग फंक्शन नहीं है। आप किसी गोल को अचीव करने के लिए कंट्रोलिंग करते हैं। कंट्रोलिंग इज परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मतलब जो हर जगह है, वेदर इट इज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, बिग ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, हर जगह आपको कंट्रोलिंग मिलेगी। तो ये परवेसिव फंक्शन है। इट इज परफॉर्म बाय द मैनेजर्स एट ऑल लेवल। हर लेवल पे मैनेजर जो होगा बच्चों, वो क्या करेगा, कंट्रोलिंग करेगा। हर लेवल पे जो मैनेजर होगा वो कंट्रोलिंग करेगा। तो इट इज प्रेजेंट एट ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, हर जगह आपको कंट्रोलिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद देखिए, इट ब्रिंग बैक द मैनेजमेंट साइकिल टू द प्लानिंग फंक्शन। देखिए मतलब, जब आप डेविएशंस को देखेंगे, कंट्रोलिंग को देखेंगे, तो आपने कहां आपका रास्ता चेंज हुआ, कहां आपका रास्ता भटक गया, वो आप देखोगे कि डेविएशन के क्या कारण रहे। तो वापस से मैनेजमेंट को आप प्लानिंग वाले सिचुएशन में लेके आते हैं। तो इसको हम बोलेंगे कि ये अपने कंट्रोलिंग के फीचर्स हैं। उसके बाद कंट्रोलिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करते हो, क्योंकि एक बार आपने कंट्रोलिंग की, आपको डेविएशंस पता लग गई, नेगेटिव डेविएशंस के रीजन आपके पास आ गए, तो आप सेम मिस्टेक को दोबारा से आप रिपीट नहीं करोगे, तो आगे आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर पाओगे। उसके बाद जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। अब मैंने बोल दिया मुझे तो 95% चाहिए,
आए मेरे 80% है, तो कंट्रोलिंग होगा जब मैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को उस टारगेट्स के साथ कंपेयर करूंगा, जब ही तो मुझे पता चलेगा कि मैंने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया था वो कितना एक्यूरेट है। तो मतलब कंट्रोलिंग कहाँ हेल्प करेगा, आपके स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी को देखने में, जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स टारगेट्स। उसके बाद मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, देखो बेटा आप जब रिसोर्सेज आपके एफिशिएंटली कैसे यूटिलाइज होंगे, जब आप कंट्रोलिंग करोगे, डेविएशंस का पता लगाओगे, नेगेटिव डेविएशंस है उसके रीजंस फाइंड आउट करोगे, क्या क्या रीजंस रहे होंगे उन डेविएशंस के, और जब आप उन रीजंस को फाइंड आउट करोगे तो आप वापस से पूरा चेक करोगे किन किन रीजंस की वजह से, किन किन इश्यूज की वजह से हम टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, तो उससे क्या होगा, आप फ्यूचर में अपने रिसोर्सेस को बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन करोगे। उसके बाद इंप्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन, अब एम्प्लॉयज को मालूम है कि एक टाइम के बाद जब कंट्रोलिंग होगा तो हमारी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा, तो सारे एम्प्लॉयज काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे क्योंकि उनको पता है उनके परफॉर्मेंस का चेक होगा, अगर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की होगी तो उसको उनको अप्रेजल मिलेगा, तो इससे एम्प्लॉयज का जो मोटिवेशन लेवल है वो भी बढ़ता है, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन रहता है, ऑर्डर रहता है, क्योंकि सारी चीजें दोबारा से कंट्रोलिंग में क्या होने वाली है, चेक होने वाली है, तो इसीलिए इंश्योर करता है कि ऑर्डर और डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन रहे। फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, सब लोग चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, लेवल हो, सब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके चले, ये भी कंट्रोलिंग इंश्योर करता है, नहीं तो किसने कोऑर्डिनेट नहीं किया था, ये जब कंट्रोलिंग में जब हम डेविएशंस को एनालाइज करेंगे तो हमें पता लग जाएगा, इसलिए सारे डिपार्टमेंट पहले एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन करके सही तरीके से मिलके यूनाइटेडली वर्क करते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंस हो गए कंट्रोलिंग के। इसके बाद देखिए कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, इसके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। एक छोटा सा एक्रोनिम इसके लिए मैं आपको बताता हूं, SMCAT, स्मॉल कैट, इसको याद रख लो, SMCAT, स्मॉल कैट। S stands for setting the objective or performance standard. आपने objective set किया और ये आपने planning में किया होगा कि आपको क्या चीज अचीव करनी है, क्या aim आपको अचीव करना है। उसके बाद MM मतलब measuring the actual performance. अब आप क्या करोगे, अपनी actual performance को measure करोगे, आपने target set कर दिया, अब आप देखोगे कि आपको actual में आपकी performance कैसी है, जब measuring the actual performance. उसके बाद comparing the actual performance with the स्टैंडर्ड्स, जो भी आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको आप स्टैंडर्ड्स या ऑब्जेक्टिव्स जो आपने सेट किए थे प्लानिंग के दौरान उसके साथ क्या करोगे, कंपेयर करोगे, आपने क्या सेट किया था, क्या आपको अचीव हुआ, इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा। क्यों, ताकि आप किनको एनालाइज कर सके, डेविएशंस को एनालाइज कर सके। तो नेक्स्ट इज एनालाइजिंग द डेविएशंस, डेविएशंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल टारगेट एंड द टारगेट विच वॉज सेटेड, एक्चुअल जो आपको रिसीव हुआ और जो आपने टारगेट सेट किया था, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उनको डेविएशंस बोलेंगे। तो ये डेविएशन एनालाइजिंग डेविएशन में आपको दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट याद रखनी है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल को हम लोग की रिजल्ट एरियाज भी बोलते हैं। देखिए क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब, अगर हमारी डेविएशंस मेन कोर्स, मेन रूट ऑफ द बिजनेस से आ रही है, जो बिजनेस का कोर एरिया है, जो बिजनेस का मेन एरिया है, अगर वहां से डेविएशंस आ रही हैं, तो इट इज कि हमें उनको देखना है कि मेन कोर एरिया से डेविएशंस नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर डेविएशंस कहीं नॉन कोर एरिया से आ रही हैं, तो वो कुछ हद तक निग्लेजिबल है, तो हमें ये देखना है कि जो हमारे डेविएशन का रीजन है कहीं वो हमारे कोर एरिया से तो नहीं आ रहा, जो मेन हमारा काम करने का मेन फंक्शन है वहां से तो कहीं नहीं आ रहा है डेविएशन। अगर वहां से कोई डेविएशन आ रहा है, देन वी हैव टू बी कंसर्न्ड और उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन लेने की जरूरत है। अदरवाइज अगर जैसे मान लो हल्का फुल्का स्टेशनरी एक्सपेंस बढ़ गया, उसकी वजह से डेविएशन आया, तो ये जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं इनकी वजह से अगर डेविएशन आता है जो नॉन कोर एरियाज है, तो उनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इसमें ये बोला जाता है कि अगर डेविएशन एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर है, 2-4%, 4% विद इन एक्सेप्टेबल रेंज है, तो आप मैनेजमेंट को वहां इन्वॉल्व ना करो, क्योंकि इन ऑर्डर टू डू एवरीथिंग मैनेजमेंट विल एंड अप इन डूइंग नथिंग, सब कुछ करने के चक्कर में मैनेजमेंट कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो अगर आपके डेविएशन एक्सेप्टेबल रेंज में है, तो आप इस केस में अपने मैनेजमेंट को वहां इन्वॉल्व ना करें कि बताइए क्यों आए डेविएशंस, क्या हुआ, मैनेजमेंट को वहां इन्वॉल्व ना करें। लेकिन अगर आपकी
जो डेविएशन है बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज है, फिर आपको मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करने की जरूरत है ताकि वो करेक्टिव एक्शंस ले और उन डेविएशंस का रीजन फाइंड आउट करें. देन वी हैव टू टेक द करेक्टिव एक्शन. क्या करेक्टिव एक्शन हो सकती है उन डेविएशंस को दोबारा रिपीट ना हो, या वो डेविएशंस दोबारा हमसे फ्यूचर में रिपीट ना हो वो सेम एक्टिविटीज, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे ताकि फ्यूचर में वो चीज सेम ना हो. नेक्स्ट इज, लास्ट इज, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. अब देखिए, प्लानिंग क्या हमने टारगेट सेट किया था, कंट्रोलिंग क्या हमने अचीव किया, और इन दोनों का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द ऑब्जेक्टिव सेट, इसको कहां आप एनालाइज करते हो कंट्रोलिंग के अंदर. तो ये दोनों काफी इंटर रिलेटेड है. यू कैन से द बोथ आर द टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन. तो इसके लिए हम देखेंगे दे आर इनसेपरेबल, इनसेपरेबल ट्विंस. आप इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, प्लानिंग को विदाउट कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग को विदाउट प्लानिंग, दे आर वर्थलेस. ठीक है. सेकेंड, कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग इज ब्लाइंड. आपने कंट्रोलिंग कर ली लेकिन आपने प्लानिंग की ही नहीं थी, तो आप कंट्रोलिंग नहीं कर पाएंगे. तो मतलब क्या हुआ, प्लानिंग जो है होगी तो ही कंट्रोलिंग होगी. तो कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग इज ब्लाइंड. नेक्स्ट, प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस. अगर आपने प्लानिंग कर ली लेकिन कंट्रोलिंग नहीं की तो वो भी क्या है, मीनिंगलेस है. नेक्स्ट क्या है कि दोनों बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शंस हैं.